फेक मुझे हेमा, आई डोंट लाइक रजत, मुझे रजत नहीं पसंद कि वो फेक नहीं है, जैसी वो दिखती है बिग बॉस में और जब वो सेम रियलिटी में ही वैसी है चाहत, जैसी वो चुम है वैसे ही साइड में बैठी रहती है चुम बन के कि हाय विवियान को मैं देख रही हूँ इतने सालों बाद शक्ति के बाद से, बट जैसे सर का जो एटीट्यूड है उसमें सेम वैसा ही चलना चाहत। देखिए मैं चाहत के साथ में काम कर चुकी हूँ एज ए नथ में, मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ, बट एज ए ह्यूमन बींग चाहत बहुत अच्छी है। अगर मैं बिग बॉस देखती हूँ और देख पसंद करूँगी एक हरमन जी के लिए, मतलब उसका नाम विवेन डिसेना है और जिससे मैं हरमन के नाम से शक्ति में काम करती थी, एंड ये दूसरी चाहत पांडे बहुत अच्छी ह्यूमन बींग है, विवेन भी बहुत अच्छा है, और मैं बिग बॉस से दो एक जो मेरे दोनों कंटेस्टेंट फेवरेट हैं एक विवियन और एक चाहत पांडे, ये दो जन के लिए मैं बिग बॉस देखूंगी। एक तो मैंने शहनाज के लिए देखा था, शहनाज और सिद्धार्थ के लिए, और अब मैं इसके लिए देखूंगी ये दो जन के लिए। और चाहत जो दो आपकी फेवरेट हो, वो दोनों की आपस में बन भी नहीं रही, आपने देखा विवियन ने उनको, यही तो मजा है बिग बॉस देखने का, यही तो मजा है बिग बॉस देखने का। पांच फेस वो देखे, पांच फेस उन्होंने लगाया, आपको भी लगता है आपने जो काम किया? नहीं, ये एक्चुअली ये इस पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है चाहत पे कि वो फेक नहीं है, जैसी वो दिखती है बिग बॉस में और जब वो सेम रियलिटी में ही वैसी है चाहत, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वो फेक नहीं है वो। हाँ मतलब चाहत ऐसी है, आपको चाहत जैसी दिखती हो वैसी ही है बिग बॉस में, ना उसके कोई मगरमच्छ के आंसू भी नहीं निकलते उसके, वो जैसे सॉफ्ट है वो वैसी रियलिटी लाइफ में है वो। ईशा सिंह को आपने देखा होगा, ईशा सिंह विवियन को लेके काफ़ी बार रिपोर्ट में लिखी है कि वो मेरे साथ काम करे, मुझे पता है उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो आपने भी देखा होगा सेट पे उनको कैसा था एटीट्यूड? हरमन सर के लिए एक वन वर्ड, डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत अच्छे बंदे हैं वो, क्योंकि मैं पर्सनली हरमन सर को जानती हूँ एज ए हरमन, मैं हरमन बोल रही हूँ बिकॉज मैं विवियन डिसेना बहुत रेयर में उनको बोलती हूँ, मैं सेट पर हमेशा उनको हरमन हरमन ही बोलती थी, आई जस्ट रिस्पेक्ट हरमन सर, और हरमन सर में एटीट्यूड है वो, जो बंदा दिल का बहुत अच्छा है, डाउन टू अर्थ बंदा है वो विवियन, एटीट्यूड सर को है, बट सर के सर ऐसे कि गलत को गलत भी बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे, सर गलत का साथ नहीं देते कभी, वो जैसे है ना वो रियलिटी में वैसे ही है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था विवियन को, मैंने देखा था मैं बहुत खुश हो गई थी कि हाय विवियन को मैं देख रही हूँ इतने सालों बाद शक्ति के बाद से, बट जैसे सर का जो एटीट्यूड है उसमें सेम वैसा ही बाहर है, सर फेक नहीं है बिल्कुल भी, वो जो है वो ही है बिग बॉस में, जो उनका फेस दिख रहा है वही है वो या बाहर भी। अभी फेक कौन लग रहा है आपको, अगर अभी तक आपने जितना एपिसोड देख चुके उसमें? अभी तो जो शुरुआत है फेक मुझे हेमा फेक है इसमें पूरी, हेमा जो रियलिटी में है वो वैसी नहीं है, अंदर वो फुल अपने आप को बनावटी दिखा रही है। और जो अभी शो में मतलब नहीं एंटरटेन कर पा रहा है, अभी नहीं होना चाहिए वो, कौन वो जो वकील है ना, वकील रजत, नहीं रजत नहीं, रजत तो बहुत आई डोंट लाइक रजत, मुझे रजत नहीं पसंद, गुणरत्न वो तो मतलब होना नहीं होने के बराबर ही है उनका, बट हाईलाइट तो अभी फिलहाल हफ्ते से अगर देखा जाए तो उन्हें किया गया है। हाईलाइट इसलिए उनको किया गया, उनको कुछ न्यूज़ नहीं मिल रहा था जो, क्योंकि उन्होंने अंदर कुछ दिखाई नहीं है, उन कुछ दिखे कोने में बैठे रहते हैं, और एक हाँ सेकेंड वो चुम वो चुम तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है बिग बॉस के घर में, जैसे वो चुम है वैसे ही साइड में बैठी रहती है चुम बन के। तो चाहत के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? चाहत के लिए बोलूँगी चाहत बहुत अच्छा, नहीं वैसे नॉमिनेट से ठीक है बट वो नॉमिनेशन में आउट नहीं होगी, वो बिग बॉस के अंदर वो एंड तक रहेगी, विवियन और चाहत दोनों एंड तक रहेंगे, और वही मेरी ब्लेसिंग, मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि वो दोनों अंदर रहें एंड तक अच्छे से खेलते रहें, और खेलेंगे भी नो डाउट, खेलेंगे भी। Thank you.